दोस्तों, जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक तो हमें अच्छी तरह से पता होता है कि हमारे शरीर के साथ क्या क्या हो रहा है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि मरने के बाद हमारे शरीर के साथ क्या क्या होता है? दरअसल मरने के बाद हम सबके साथ अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। हालांकि जितनी भी अलग अलग तरह की प्रोसेस हमारी बॉडी में मरने के बाद होती है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चल पाता, और ऐसे ही प्रोसेस में से एक है पोस्टमार्टम। वैसे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सबके शरीर के साथ पोस्टमार्टम की नौबत आए, लेकिन कई केसेस में पोस्टमार्टम जरूरी हो जाता है। पोस्टमार्टम करने का असली कारण मौत की असली वजह का पता लगाना होता है। कई बार लोग एक्सीडेंटल या आत्महत्या की वजह से मौत के घाट उतार दिए जाते हैं और इसी वजह से इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करना जरूरी होता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसे अंजाम देने का काम डॉक्टर्स करते हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन सच में ये बहुत अजीब और मुश्किल काम होता है। जरा खुद सोचिए कि मरे हुए इंसान के शरीर को काटना और ये पता लगाना कि उसकी मौत के पीछे क्या कारण था, बहुत ही खतरनाक काम है। तो चलिए पोस्टमार्टम के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोस्टमार्टम को मेडिकल की भाषा में ऑटोप्सी भी कहा जाता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम करने में काफी परेशानियां हैं, जैसे कि आपको हर बार शरीर सही रूप में नहीं मिलेगा। हो सकता है कि जिस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है उसकी मौत किसी भयानक एक्सीडेंट से हुई हो, जिस वजह से शरीर को जोड़ना और उसे अच्छी तरह से एनालाइज करना काफी मुश्किल हो सकता है। पर अभी के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि एक नॉर्मल शरीर का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम करने का मुख्य कारण मौत की वजह को जानना है, पर हर पोस्टमार्टम के रिजल्ट में इनमें से कोई एक रिजल्ट निकलता है। या तो मौत प्राकृतिक थी या फिर हत्या थी। मौत एक्सीडेंटल या सुसाइड भी हो सकती है, या फिर बॉडी को पूरी तरह से एनालाइज करने पर भी समझ ना आए तो मौत के कारणों को अनडिटरमाइंड घोषित कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम मौत के ज्यादातर 2-3 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, वरना उसके बाद बॉडी डिकम्पोज होने लग जाती है और उस पर ऑपरेट करना और ज्यादा मुश्किल होता जाता है। पोस्टमार्टम के लिए कोई भी शरीर जब आता है तो सबसे पहले उनका बाहर से एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले जिस हालत में शरीर आया है उसी हालत में शरीर की तस्वीरें खींची जाती हैं, ताकि बाद में शुरुआती घाव का रिकॉर्ड रखा जा सके। इसके साथ ही शरीर पर बने सभी टैटूज और मार्क्स को भी रिकॉर्ड में लिखा जाता है। इसके बाद ब्लड और नाखून के सैंपल लिए जाते हैं और उन्हें जांच के लिए आगे भेज दिया जाता है। ब्लड के साथ साथ आपकी आंखों के लिक्विड को भी जांच के लिए भेजा जाता है। इन दोनों ही चीजों से शरीर में अल्कोहल लेवल और ड्रग्स होने का पता चल सकता है, जिससे जांच थोड़ी आसान हो जाती है। इसके साथ साथ सारे फिंगरप्रिंट्स को भी अलग से रिकॉर्ड करके रखा जाता है। अगर बॉडी ज्यादा डिकम्पोज हो गई है और फिंगरप्रिंट्स लेना मुश्किल है तो एक डॉक्टर अपने हाथ से स्किन को इस तरह से निकाल देगा कि वो एक ग्लव्स की तरह पहनी जा सके, और उसके बाद वो उसे पहनकर बॉडी के फिंगरप्रिंट्स ले लेगा। आपको ये तरीका भले ही अटपटा लगेगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं जो सिर्फ अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंसान की बॉडी सिर्फ उनके लिए एक बॉडी है। बाहरी निरीक्षण में इसके साथ साथ बालों का भी सैंपल लिया जाता है और आखिर में एक एक्सरे होता है। एक्सरे से काफी चीजें मालूम पड़ती हैं, जैसे कि अगर किसी को गोली लगी थी तो गन पाउडर सबसे ज्यादा कहाँ इकट्ठा हुआ है, अगर कोई हड्डी टूटी है या फिर उस पर जो कट है वो क्या किसी हथियार का है या नेचुरल है। इसके बाद शरीर से उसके कपड़े निकालकर उसे पूरी तरह निर्वस्त्र कर दिया जाता है और उसकी पीठ के पीछे एक रबर या लकड़ी का टुकड़ा लगाकर उसे छाती से ऊपर उठाया जाता है। अब अगर ये किसी मर्द का शरीर है तो उस पर वाई शेप में कट लगाए जाते हैं और औरतों के लिए यू शेप में। ये कट कंधों से शुरू होकर प्यूबिक बोन तक जाता है। इसके बाद डॉक्टर ऊपर की स्किन और बाकी लेयर को निकालकर इस हिस्से को पूरी तरह से खोल देते हैं। इसके बाद शरीर के कई हिस्सों को अलग निकाल दिया जाता है। इसके बाद रिब केज को निकाल दिया जाता है, जिसके बाद हार्ट और लंग्स तक पहुंचना आसान हो जाता है और धीरे धीरे करके दिल, छोटी आंत, बड़ी आंत और सभी जरूरी अंगों को कट लगाकर बाहर निकाल लिया जाता है। पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान हाथों और पैरों को तब तक नहीं खोलकर देखा जाता जब तक कि वो बिल्कुल ही जरूरी ना हो। अब निकाले गए पार्ट्स का अच्छे से वजन तोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ बीमारियां इस तरह की होती हैं जिनमें ऐसे हिस्सों का वजन कम या ज्यादा हो जाता है। इसके बाद छोटी आंत और पेट में खाने की मात्रा चेक की जाती है। इसी से ज्यादातर डॉक्टर्स को ये अंदाजा लगता है कि शरीर की मौत कब हुई होगी।
इसके बाद बाकी निकाले गए पार्ट्स के टिश्यूज के सैंपल्स को भी टेस्टिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। अब बारी आती है दिमाग की। दिमाग को भी शरीर से अलग सिर्फ तब किया जाता है जब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो। ऐसा होने पर रबड़ ब्लॉक को पीठ से हटाकर एक तकिए की तरह सिर के पीछे रख दिया जाता है और शरीर के एक कोने से दूसरे कोने तक माथे पर एक बड़ा कट लगाया जाता है जिससे ऊपर की स्किन उतर जाए। स्किन उतरने के बाद स्कल को भी खोल लिया जाता है। स्कल अलग अलग होने के बाद सबसे पहले दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से अलग करके निकाल लिया जाता है। अब यहाँ इससे कुछ ब्रेन टिश्यूज की जांच की जाती है ताकि कुछ बीमारियों के संकेतों को देखा जा सके। शरीर के बाकी पार्ट्स को डॉक्टर चाहे तो टॉक्सिकोलॉजी और क्रोमेटोग्राफी के लिए आगे भेज सकता है। ये ज्यादातर तब किया जाता है जब डॉक्टर को शक हो कि इंसान को जहर देकर मारा गया है। सारे टेस्ट पूरे होने के बाद शरीर से निकाले गए अंगों के साथ क्या करना है वो डॉक्टर पर निर्भर करता है। ज्यादातर केसेस में सभी अंगों को वापस उनकी जगह पर लगाकर बॉडी को बेसबॉल सिलाई के स्टाइल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स पूरे अंग या कम से कम उसके कुछ हिस्से या टिश्यूज को स्टोर करके रख लेते हैं। ऐसा तब किया जाता है जब मौत के पीछे के कारण स्पष्ट ना हो पाए या कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, ताकि बाद में इन पार्ट्स को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इन पार्ट्स को स्टोर करते हुए खराब होने से बचाने के लिए फॉर्मेलिन नाम के स्पेशल प्रिवेजिंग लिक्विड में डुबो कर रखा जाता है। ये तो पोस्टमार्टम मेडिकल साइंस में एक बेहतरीन टूल है मौत के कारणों का पता लगाने के लिए, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में देखा गया है कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में ज्यादा से ज्यादा लोग अब शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होने देते। इसके मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण बहुत ही स्वाभाविक है कि कभी कभी परिवार वाले नहीं चाहते कि मृत शरीर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जाए। साथ ही पोस्टमार्टम की वजह से होने वाले संस्कारों में भी देर लगती है, और अगर किसी कोर्ट ने किसी शरीर के लिए पोस्टमार्टम का ऑर्डर नहीं दिया है तो परिवार के लोग ऐसी घड़ी में ये देरी और पोस्टमार्टम का खर्चा नहीं चाहते, जिस कारण पोस्टमार्टम दुनिया भर में अब कम पॉपुलर होते जा रहे हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पोस्टमार्टम अब पुराना प्रोसीजर हो चुका है, और हाल के सालों में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की तो कर ली है कि अब पोस्टमार्टम किए बगैर ज्यादातर केसेस में मौत की वजह का पता लगाया जा सकता है, जिस वजह से ज्यादातर केसेस में इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पोस्टमार्टम को अब एक आखिरी विकल्प के रूप में लेना चाहिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।